एक बूढ़ी माँ की प्रेरणादायक कहानी। एक डलिया में संतरे बेचती बूढ़ी औरत से एक युवा अक्सर संतरे खरीदता। अक्सर खरीदते संतरों से एक संतरा निकाल उसकी एक फांक चखता और कहता, ये कब मीठा लग रहा है। देखो, बूढ़ी औरत संतरे को चखती और प्रतिवाद करती, ना बाबू, मीठा तो है। वह उस संतरे को वहीं छोड़ बाकी संतरे ले गर्दन झटकते आगे बढ़ जाता। युवा अक्सर अपनी पत्नी के साथ होता था। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये संतरा तो हमेशा मीठे ही होते हैं, पर ये नौटंकी तुम हमेशा क्यों करते हो। युवा ने पत्नी को एक मधुर मुस्कान के साथ बताया, वो बूढ़ी माँ संतरे बहुत मीठे बेचती है पर खुद कभी नहीं खाती, इस तरह मैं उसे संतरा खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, ये झचकी लड़का संतरे लेते इतनी चकचक करता है, पर संतरे तोलते हुए मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तो हमेशा उसकी चकचक में उसे ज़्यादा संतरे तोल देती है। बूढ़ी माँ अपने साथ सब्जी बेचने वाली से कहा, उसकी चकचक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरा खिलाने को लेकर होती है। वो समझता है कि मैं उसकी बात समझती नहीं, लेकिन मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़ों पर संतरे अपने आप बढ़ जाते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तेरा धन्यवाद। तू लाख मुश्किलें भी दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक बात तो पक्की है, छीन कर खाने वालों का कभी भी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।